अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑनेक्स इंटरनेशनल से मैं हूं हैदर और आज आपके लिए लेके आए 10 मरला का अल्ट्रा मॉडर्नाइज्ड यूनिक आर्किटेक्चरिंग का हाउस जो कि आ गया फॉर सेल पे हमारे पास। तो इसकी अगर लोकेलिटी की बात करें तो बैरिया टाउन फेज़ 8 की प्राइम लोकेशन पे घर लोकेटेड है और अकोमोडेशन में आपको 5 बेडरूम विद लग्जरी वॉशरूम्स, एक किचन, ह्यूज ड्राइंग डाइनिंग स्पेस और ह्यूज कार स्पेस आपको मिल जाता है। फ्रंट एलिवेशन पे बहुत ही खूबसूरती के साथ रॉक वॉल और ऑन द लेफ्ट कॉर्नर आपको अकोड़ा खटक स्टोन मिल जाता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव और बहुत खूबसूरती क्रिएट कर रहा है आपके फ्रंट एलिवेशन पे। ऑन द राइट साइड आपको ट्रेविटाइन मार्बल का इस्तेमाल मिलता है और आयरन रॉड्स का यूज़ किया हुआ है। पूरे घर को वार्म लाइट्स के साथ इन्हेंस किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ही प्राइम लोकेशन पे घर लोकेटेड है और प्राइस की बात बता दूँ तो 5,25,00,000 रुपये इस खूबसूरत घर की प्राइस है जो कि निगोशियबल है। तो यहाँ से चलेंगे हम घर के अंदर, फर्दर सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करें ताकि सारे फ्लोर प्लान्स और डिज़ाइनिंग के बारे में आपको बता सकूं। ऑन द राइट कॉर्नर आपको इसका एक्सटर्नल ग्रीन एरिया मिल जाता है जिसको खूबसूरत प्लांटेशन के साथ तैयार किया हुआ है। आपको प्लांटर्स इंस्टॉल्ड मिलते हैं यहाँ पे। रैंप एरिया पे भी आपकी 3 गाड़ियाँ ईजिली पार्क हो सकती हैं और गेट को भी हैवी गेज में तैयार किया हुआ है जिसमें आप पॉलिश वर्क देखें, बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको तैयार किया है। यहाँ से एंटर होंगे घर के अंदर। यह आ गया हमारा ह्यूज कार स्पेस एरिया जिसमें आपकी 2 से 3 गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती हैं और वॉल्स पे भी खूबसूरत स्टीको का इस्तेमाल किया हुआ है। इसका सीलिंग डिज़ाइन आपको दिखा दूं तो बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी सीलिंग को डिज़ाइन किया हुआ है। रूफ पे आपको खूबसूरत वुडन वर्क मिलता है जिसको स्पॉट लाइट्स के साथ इन्हेंस किया हुआ है। ऑन द राइट साइड आपको साइड गली मिलती है जिसमें वाटर टैंक और सक्शन मोटर इंस्टॉल्ड है और यहाँ पर भी आपकी एक गाड़ी ईजिली पार्क हो सकती है। यहाँ से चलेंगे हम घर के अंदर, फर्दर सारे मेन पार्ट ऑफ द हाउस आपको दिखाऊंगा। बहुत सारे वाव फैक्टर्स हैं जो साथ साथ आपको दिखाएंगे। डोर्स को भी सॉलिड वुडन में तैयार किया हुआ है, महागनी डोर्स वुडन यूज़ की हुई है इसके डोर्स में। तो यहाँ से चलते हैं घर के अंदर और ये आ गया हमारा मेन पार्ट ऑफ द हाउस। जैसे ही आप एंटर होते हैं खूबसूरत लॉबी एरिया आपको मिलता है। ऑन द राइट साइड फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर केस मिलते हैं जिसको वुडन में तैयार किया हुआ है और ऊपर ही आपको खूबसूरत डबल हाइट सीलिंग इफेक्ट मिलने वाला है जिसमें बहुत ही आलीशान सा आपको शैंडेलियर प्लेस मिलता है। काफ़ी सारे हैंगिंग लैंप्स आपको मिलते हैं जो पूरे आपके लिविंग एरिया को खूबसूरत बना रहे हैं। ऑन द राइट साइड आपको सबसे पहले इसका पाउडर रूम दिखा दूँ तो ये है इसका खूबसूरत छोटा सा पाउडर रूम जिसमें वेंटी सेटअप आ जाता है आपका। पोटा की सीट्स यूज़ की हुई है, टाइल एंड हाइट तक आपको इंस्टॉल्ड मिलेंगी। और ये आ गया आपका खूबसूरत लिविंग एरिया। तो काफ़ी यूज स्पेस आपको मिल जाती है लिविंग एरिया की भी और अगर इस साइड वॉल पे आप देखें तो अगेन आपको अकोड़ा खटक स्टोन मिल जाता है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव और बहुत ही खूबसूरती क्रिएट कर रहा है आपके पूरे घर में। एक यूनिक स्टोन इस्तेमाल किया हुआ है इस घर में। ऑन द अपोजिट साइड आपको इसका अमेरिकन किचन मिल जाता है जिसमें कोरियन का काउंटर टॉप आपको मिलता है और ये आ गया इसका हुड और चूल्हा इंस्टॉल्ड आपको मिलेगा। कैबिनेट्स देखें तो खूबसूरत कलर पैलेट्स यूज़ किए हुए हैं इसकी कैबिनेट्स के लिए वुडन कलर में और जो सिंपल शेड का एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है क्या खूबसूरती क्रिएट कर रहा है आपके पूरे किचन में। नीचे डार्क कलर की शीट का यूज़ किया हुआ है, काफ़ी ग्लॉसी शीट्स हैं जैसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। बर्तन धोने का सिस्टम आ जाता है और ये एरिया आ गया आपका शेफ़ किचन। तो प्रॉपर आपको 10 मरला में भी शेफ़ किचन मिलता है जिसमें ट्रॉपिकल ग्रेनाइट के काउंटर टॉप्स आपको मिलते हैं, बर्तन धोने का सिस्टम आ गया, चूल्हे को टका हुआ है ताकि गंदा ना हो जाए और ये है इसका हुड एरिया। प्रॉपर कैबिनेट्स इंस्टॉल्ड मिलेंगी, छोटी सी पखी भी मिलती है आपको। बिल्कुल ही साइड पे आपको यहाँ पे फ्रिज रखने की जगह मिल जाती है, माइक्रोवेव और ग्रिल रखने के लिए एरिया मिल जाता है। फर्स्ट फ्लोर पे आपको एक बेडरूम मिलता है। यहाँ से चलेंगे इसके फर्स्ट मास्टर बेडरूम में जिसमें आपको वुडन फ्लोरिंग मिलती है, काफ़ी खूबसूरती के साथ इसको तैयार किया हुआ है। विंडो मिलेगी आपको जो कि आपकी बैक साइड पर गैलरी में ओपन होती है। इसका सीलिंग डिज़ाइन आपको दिखा दूँ तो बहुत ही खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइंस आपको मिल जाती है। ऑन द लेफ्ट कॉर्नर आपको इसमें वुडन वर्क भी मिलता है सीलिंग में। ये आ गया इसका वार्डरोब एरिया, ग्लॉसी शीट्स यूज़ की हुई है, बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी यूनिक कलर आपको मिलता है, काफ़ी ग्लॉसीनेस है इसकी शीट्स में और काफ़ी ह्यूज स्पेस आपको मिल जाती है आपके कपड़े शपड़े रखने के लिए। हैंगिंग एरिया आ गया साइड पर भी, आई थिंक सो कि हैंगिंग एरिया ही होगा, नहीं यहाँ पर आपको प्रॉपर कैबिनेट्स मिलती हैं। ये कुछ वॉल पेपर्स रखे हुए हैं।
बिल्कुल इसके साथ मिल जाता है आपको इसका वॉशरूम। तो यहाँ से एंटर होंगे इसके वॉशरूम में, तो खूबसूरत दंडी सेटअप आपको मिल जाता है, बड़ा ही मजे का एक मार्बल शेड में इसको तैयार किया हुआ है। ह्यूज मिरर आपको इंस्टॉल मिलेगा, टाई एंड हाइट तक आपको इंस्टॉल मिलती है। ये आगे हमारी वॉल हैंग कमोड जो पोटा की सीट्स यूज हुई है, और बिल्कुल ही साइड कॉर्नर पे आपको मिलता है इसका शॉवर एरिया, प्रॉपर कंसील्ड पाइपिंग आपको मिलेगी, रेन शॉवर इंस्टॉल मिलेगा, और ये मिलते हैं इसकी सेपरेशन। यहाँ से चलेंगे बाय, और अब आपको दिखाऊंगा इसका सेकेंड एरिया जिसको एज आप मीडिया या अपना प्रॉपर इसको लिविंग रूम भी एज ए कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है आपकी खूबसूरत मीडिया वॉल, और क्या ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग आपको मिलती है, खूबसूरत टाइल वर्क आपको मिलता है जिसमें 3D शेड्स आपको मिल जाते हैं। ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड आपको PVC पैनल्स यूज़ मिलेंगे, लेकिन जो यहाँ पे शैंडेलियर प्लेस्ड है, बहुत ही खूबसूरत और मज़े का शैंडेलियर आपको प्लेस मिलने वाला है। यहाँ पे बिल्कुल ही साइड पे आपको इसके छोटा सा स्टोर रूम एरिया मिल जाता है, यहाँ पे आपने सारा फर्दर सामान शामान रखना है। तो बेसिकली आपको दो एरियाज मिल जाते हैं, अगर ये एरिया तो आपका एज अ प्रॉपर एक TV लॉन्च यूज़ हो जाए, और बिल्कुल ही उसके सामने आपको लिविंग एरिया मिल जाता है। तो ये है पार्टीशन, आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं। यहाँ से लेके जाऊँगा आपको इसके लोअर ग्राउंड में, और एक बेडरूम है इसके लोअर ग्राउंड में, तो वुडन स्टेयर केस आपको मिलती हैं। यहाँ से चलेंगे हम नीचे, तो अगेन ये वो अकोड़ा खटक स्टोन है जो आपको मैं बता रहा था, काफ़ी खूबसूरत स्टोन है ये। ये आ गया इसका सेकंड बेडरूम जो कि आपके बेसमेंट में है, काफ़ी ठंडा है तो यहाँ पे गर्मी शर्मी फील नहीं हो रही है। विंडो एरिया आपको मिलता है फॉर वेंटिलेशन के लिए। बाथरूम आ गया, आपको बाथरूम इसका दिखा दें। तो ये है इसकी खूबसूरत करारा वाइट में वेंडी सेटअप, यूज मिरर आपको इंस्टॉल्ड मिलता है, कमोड आपको पोर्टा के इंस्टॉल्ड मिलेंगे, और टाई एंड हाइट तक इंस्टॉल्ड है। और ये है इसका साइड पे रेन शॉवर, तो अगेन कंसील्ड रेन शॉवर आपको मिलने वाला है, और खूबसूरत यहाँ पे मोटिव यूज़ किए हुए। बिल्कुल ही उसके साथ आपको मिलता है इसका वार्डरोब एरिया, तो यहाँ पे रखने हैं आप इतने सारे कपड़े शपड़े। और ये है एक और छोटा सा स्टोर रूम, तो इधर सारा गंद ला अंदर तुम देना। यहाँ से चलेंगे बाहर वापस, और अब आपको लेके जाऊँगा इसके ड्राॅइंग रूम एरिया में। बहुत ही खूबसूरत एरिया मिलता है आपको ड्राइंग रूम का, जैसे आप ये नीचे पूरा व्यू देखें तो यहाँ पे आपका लिविंग एरिया आ गया, मीडिया वॉल एरिया आ गया, एक बेडरूम किचन मिल जाता है, और जो ड्राइंग एरिया है इसका वो ये आपको कुछ स्टेप्स ऊपर चढ़ के फिर साइड पे मिलता है, क्योंकि नीचे आपको प्रॉपर एक बेसमेंट मिलती है। ये है वो खूबसूरत वॉल स्टेयर वुडन केस आपको मिलते हैं, और बैक साइड से ये मेंटर होंगे अपने ड्राइंग रूम एरिया में। प्रॉपर आपको खूबसूरत वुडन फ्लोरिंग इसकी मिलने वाली है, वॉलपेपर वॉल आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिलेगी बहुत ही खूबसूरत, और ये शैंडेलियर प्लेस्ड हुआ है कल ही, इसकी वजह से हमारी एक दिन वीडियो लेट भी हो गई है। तो खूबसूरत वॉलपेपर का इस्तेमाल किया हुआ है, बिल्कुल ही साइड पे आपको एक सेपरेशन मिलती है, यहाँ से आप बैठ के अपने बाहर का सारा व्यू देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। यहाँ से चलेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि ये हैं स्टेयर्स, वुडन स्टेयर केस आपको मिलते हैं, साइड रेलिंग्स पे 12 mm का टेम्पर्ड ग्लास आपको मिल जाता है। और ये हम आगे इसके फर्स्ट फ्लोर पे, वो सामने स्टेयर्स जा रही है इसकी छत पे, छोटी सी आपको मीडिया वॉल मिल जाती है, यहाँ पे आपकी खूबसूरत LCD प्लेस्ड होगी। सीलिंग डिज़ाइन आपको दिखा दूँ तो बहुत ही मिनिमल स्टाइल में इसकी सीलिंग को डिज़ाइन किया हुआ है। ये अगेन आपको एक छोटा सा स्टोर रूम मिल जाता है, काफ़ी सारे छोटे छोटे से स्टोर रूम्स आपको मिलेंगे आपके फर्दर या कोई भी पुठे सीधे सामान रखने के लिए। ये छोटा सा आपको एरिया मिलेगा यहाँ पे, आप अपना माइक्रोवेव रख के कोई खाना शाना गर्म करने के लिए जगह बना सकते हैं। ये है इसका थर्ड बेडरूम, मास्टर बेडरूम है ये आपके फर्स्ट फ्लोर का, अगेन वुडन फ्लोरिंग आपको मिल जाती है, विंडो इंस्टॉल्ड आपको मिलेगी, और ये है इसकी मीडिया वॉल जिसमें खूबसूरत निशेज का इस्तेमाल किया हुआ है। और सीलिंग डिज़ाइन अगेन आपको दिखाऊँ तो ऑन द कॉर्नर आपको वुडन वर्क मिल जाता है। यहाँ से चलेंगे इसके वॉशरूम में, तो बहुत ही खूबसूरत वॉशरूम आपको दिखाने लगूँ। जैसे ही आप एंटर होते हैं एक वॉक इन क्लोजेट आपको मिलती है जो कि एंड हाइट तक है, और ये आ गया इसका खूबसूरत वॉशरूम। तो अगर टाइल के कलर्स और इसकी डिज़ाइनिंग देखें, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनिंग में आपको मिलती है, पोटा सीट्स यूज हुई हुई है, वॉल हैंग कमोड। ये है बैक पे आपका शॉवर एरिया जिसमें आपको रेन शॉवर इंस्टॉल्ड मिलता है, और ये आ गया इसका वैनिटी सेटअप, काफ़ी खूबसूरत वैनिटी सेटअप है, साइड पर टूटी आपको मिलती है, पानी आ रहा है, और बहुत ही मज़े का और खूबसूरत टाइल का इस्तेमाल किया हुआ है लाइट एंड डार्क कंट्रास्ट में, तो बड़ा ही मज़े का वॉशरूम रेडी है यहाँ पे। यहाँ से चलेंगे इसके फोर्थ बेडरूम में, तो बिल्कुल ही फोर्थ बेडरूम इसके ऑपोजिट है, ये है इसका फोर्थ बेडरूम। अगेन आपको एक जनरल साइज मिल जाता है बेडरूम का, विंडो इंस्टॉल्ड मिलती है आपको, साइड पे छोटा सा टेरेस एरिया मिल जाता है, और ये आ गया इसका वार्डरोब एरिया, तो अगेन बहुत ही मिनिमल स्टाइल में इसकी वार्डरोब को डिज़ाइन किया हुआ है, बिल्कुल ही मिड में एलिगेंस की सीट्स, पेंटेक्सी सीट्स यूज़ की हुई है, और ये है इसका वॉशरूम सेटअप।
जैसे ही आप इंटर होते हैं, खूबसूरत वॉशरूम सेटअप आपको, वेंटी सेटअप मिलता है, ह्यूज मिरर इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको यहाँ पे, टाइल एंड हाइट तक इंस्टॉल्ड है, और ये है इसका कमोड एरिया। शॉवर एरिया आप ढूंढ रहे होंगे तो वो है आपकी वैनिटी की बैक साइड पे, जैसे ही आप देख रहे हैं पूरे घर में आपको रेन शॉवर यूज मिलेंगे। कंसील्ड पाइपिंग आपको मिलती है, ये लगी हुई है इसकी टूटी, NSK जर्मनी का ब्रांड है ये, जिसकी यहाँ पे सारी एक्सेसरी यूज हुई हुई है। यहाँ से चलेंगे हम बाहर और आपको इसका फिफ्थ बेडरूम दिखाते हैं और फिर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ये आ गया इसका फिफ्थ बेडरूम, जो कि आप इंटर होते हैं अपनी चार पौड़ियों ऊपर चढ़ के, यहाँ से हम इंटर हो गए इसके फिफ्थ बेडरूम में, और गेन एक ह्यूज साइज आपको मिल जाता है इसके बेडरूम का। ये है इसका छोटा सा एक डेडिकेटेड टेरेस आपको मिलता है, जिससे आप अपना बाहर का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। आपको एक वार्डरोब एरिया यहाँ पे मिलता है, डबल डोर और एंड हाइट तक वार्डरोब्स मिलती हैं बिल्कुल ही। उसके साथ इसकी खूबसूरत फीचर वॉल आपको मिल जाती है, जिसमें निशेस का इस्तेमाल किया हुआ है, डार्क टोन में इसको तैयार किया हुआ है, लाइट डार्क कंट्रास्ट में इसकी सीलिंग को डिजाइन किया हुआ है, मिनिमल स्टाइल में सीलिंग मिलती है, और कॉर्नर पे अगेन आपको वुडन सीलिंग डिजाइंस मिल जाते हैं बिल्कुल ही। उसके ऑपोजिट अगेन आपको एक और वार्डरोब सेटअप मिलता है। तो जगह खराब इन्होंने नहीं की, जो जगह इनको मिली है आमने सामने इन्होंने वार्डरोब देके पूरी जगह यूटिलाइज की हुई है। ये आ गया इसका वॉशरूम सेटअप, तो काफी मजे का वैनिटी सेटअप आपको मिलता है। ह्यूज मिरर अगेन आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा, वॉल हैंग का मोड आपको आ गया, और जो टाइल के कलर्स यूज किए हुए हैं डिजाइनिंग बहुत ही खूबसूरत यूज की हुई है, टाइल एंड हाइट तक आपको इंस्टॉल्ड मिलेगी, और बिल्कुल ही सेपरेट एरिया में आपको अगेन शॉवर एरिया मिलने वाला है, जिसमें रेन शॉवर लगा है, तो बारिश वाली फीलिंग है फुल, कोई टेंशन वाला मसला नहीं है। ये था व्यूवर्स आपके खूबसूरत इस 10 मरला प्राइम लोकेशन घर का डिटेल एंड कंप्लीट वीडियो। छत पे आपको एक सर्वेंट क्वार्टर और एक बाथरूम मिलता है, और ये आ गया अगेन खूबसूरत शैंडेलियर जो कि हैंग है आपके डबल हाइट सीलिंग इफेक्ट में। तो जैसे स्टार्ट में मैंने इसकी प्राइस के बारे में बताया था कि 5,25,00,000 रुपए इस घर की प्राइस है, जो कि निगोशिएबल है। तो इस खूबसूरत घर की कोई भी डील बनाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रابطہ करें और वहाँ पर इस खूबसूरत घर की डील बनाएं, और ऐसे मजीद खूबसूरत घर देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ऑनएक्स इंटरनेशनल, उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पर ऐसे मजीद घर देखें। लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा, और कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। सो कीप वॉचिंग ऑनएक्स इंटरनेशनल, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।